कहाँ है हमारी होंडा यूनिकॉर्न, कब तक हमको ये अवेलेबल हो जाएगी, क्या कुछ रीज़न है जिसके कारण ये गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं हो रही है, क्या कोई इसमें बड़ा अपडेट कंपनी कर रही है, क्या कुछ इसमें बड़े अपडेट आने वाले हैं। आज आपको इस वीडियो में इस रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो लोग हमारे पहली बार आ रहे हैं चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, कि हम रोज़ाना आप सभी के लिए ऐसी लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप ही सभी के हम क्वेश्चन के आंसर लेके आते हैं। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या कोई इसमें बड़ा अपडेट आने वाला है। देखिए अभी तक कंपनी इसका प्रोडक्शन रुका हुआ है, जिन लोगों ने बुकिंग कराई होगी दिवाली के पहले या दिवाली के बाद भी लोगों ने बुकिंग कराई होगी वो लोग अभी भी इस गाड़ी का वेट कर रहे होंगे, कि हो सकता है कंपनी आपको कुछ इसमें अपडेट देने की कोशिश कर रही हो और उस अपडेट को करने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा हो, क्योंकि गाड़ी में कुछ पार्ट्स में हो सकता है चेंजेस करना पड़े, तो वो अपडेट कंपनी इंजन वाइज भी दे सकती है या आपको जो इसके ICU होते हैं ECU होता है कंट्रोल उसके वजह से भी दे सकती है। तो ये कुछ अपडेट आने वाला है, क्योंकि अभी होंडा की SP होंडा की साइन में इंजन वाइज थोड़े बहुत कंपनी चेंजेस किए हैं, थोड़ा बहुत इंजन को और स्मूथ किया है, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ होंडा यूनिकॉर्न के साथ भी किया जा रहा हो, तो इसके लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। बाकी अभी तक इसका धीरे धीरे प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, लगभग 2 से 4 दिन में और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपको लगभग ये 15 से 20 दिन 1 महीने के अंदर आपको ये गाड़ी अवेलेबल तो बिल्कुल मिल जाएगी। बाकी अगर कभी कोई कंपनी इसमें अपडेट करेगी तो बिल्कुल आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक कंपनी ने कोई भी चीज़ क्लियर नहीं किया है कि इसमें कोई अपडेट प्रोवाइड कर रही है। अभी तक ये पता है इसका प्रोडक्शन रुका हुआ है ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन कंपनी ने वो रीजंस को क्लियर नहीं किया। अभी कंपनी करेंटली अपने 125C सेगमेंट में फोकस कर रही है, तो जैसे ही कंपनी ये चीज़ क्लियर कर देती है कि उसका प्रोडक्शन रुका है और क्यों ये बाइक आपको अवेलेबल नहीं हो रही है, तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन करंटली प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अभी मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ अपडेट आ रहा है, ये कुछ अपडेट आ रहा है। जो नॉर्मल थोड़े बहुत कंपनी अपग्रेड कर सकती है, थोड़ा बहुत इंजन को और स्मूथ कर सकती है, उसके अलावा इस गाड़ी में आपको पता है मीटर कंसोल फुली एनालॉग मिलता है, तो थोड़ा बहुत डिजिटल का पार्ट 160cc को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत डिजिटल पार्ट बिल्कुल कंपनी एड ऑन कर सकती है, जैसे कि फ्यूल गेज मीटर या ट्रिप मीटर ऐसे कुछ ऑफर्स कर सकती है। उसके अलावा आपको अगर और कुछ बात करें क्या कुछ अपडेट आ सकते हैं, तो बाकी यही कुछ अपडेट आ सकता है और साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर कंपनी एक नॉर्मल सा अपडेट दे सकती है, जो कि हो सकता है आपको आने वाले कुछ टाइम में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई कंपनी आपको बड़ा अपडेट नहीं देने वाली, जैसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा कोई बड़ा अपडेट नहीं है। इसमें आपको सिंगल मॉडल ही आता है और आपका सिंगल ही मॉडल आएगा। फ्रंट में आपको सिंगल चैनल एबीएस 240mm की डिस्क और बैक में आपको 130mm की ड्रम ब्रेकिंग, लगभग 45 से 50 km के आसपास का माइलेज गाड़ी क्लेम करती है और लगभग इसी के आसपास का माइलेज गाड़ी निकाल के दे भी देती है। बाकी 160cc का BSS कंप्लायंट इंजन इसमें लगाया गया है, 5-speed गियरबॉक्स सिस्टम आता है, ओवरऑल गाड़ी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा, 14 PS के आसपास की पावर, 12.7 Nm के आसपास टॉर्क देखने को मिल जाता है, तो पावर फिगर्स से कोई दिक्कत नहीं, पावर फिगर्स से गाड़ी ठीक है। क्रोम का बहुत अच्छा यूज़ किया गया फ्रंट और साइड पैनल्स में, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक, बैक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन गाड़ी आती है, तो कंफर्टेबल लाइट वन ऑफ द बेस्ट इससे निकाल सकते हैं। 160cc में वन ऑफ द बेस्ट कंफर्टेबल लाइट आप इस गाड़ी से बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। उसके अलावा बात करें गाड़ी के बारे में, तो अगर हम मेन चीज़ की बात करें तो गाड़ी की अगर हम बात करेंगे माइलेज आपको पता है एक बहुत बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है, तो माइलेज गाड़ी अच्छा खासा निकाल के दे सक्सेसफुल है। उसके अलावा आपको गाड़ी में फुली अनलॉक मीटर मिलता है, तो कभी भी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। बाकी अगर रही अपडेट की बात, तो जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको उसके लिए अपग्रेड कर दूंगा, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बाकी अभी तक होंडा यूनिकॉर्न को रिलेटेड कंपनी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर रही है, जैसे ही कंपनी कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे वो वीडियो अपडेट मिस ना हो जाए। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इस लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कि हम रोज़ाना आप ही सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप ही सभी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन उठा के आप ही सभी को आंसर देते हैं। बहुत लोगों ने मुझे इंस्टा पे DM किया था होंडा यूनिकॉर्न से रिलेटेड, इसलिए मैंने एक होंडा यूनिकॉर्न के ऊपर अब डे टू डे डिटेल वीडियो कवर कर रहा हूँ। बाकी अभी आपको वेट बिल्कुल करना पड़ेगा, लगभग 1 महीने के आसपास की वेटिंग इस गाड़ी में बिल्कुल चल रही है, तो 1 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप मन बना लिए हैं होंडा यूनिकॉर्न लेने का ही, तो बिल्कुल आप बेझिझक 1 महीने का वेट कर सकते हैं, हो सकता है कंपनी आपको अच्छा अपडेट प्रोवाइड कर दे। बाकी करेक्ट ऑन रोड प्राइसिंग की बात करेंगे तो 1,23,000 सोनभद्र उत्तर प्रदेश में गाड़ी की ऑन रोड कॉस्टिंग पड़ रही है। अभी करेंटली हमारे पास ये कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल भी है यहाँ पे ग्रे और उसके साथ ही साथ रेड कलर कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ अवेलेबल भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं।